मिशन फाइनेंशियल लिटरेसी, जी हाँ, ये विषय है AKS विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले व्याख्यान माला का। इस एक दिवसीय वर्कशॉप के दौरान राहुल सैनी ने निफ्टी और सेंसेक्स की विधिवत जानकारियां दी। उन्होंने शेयर बाजार के खतरों और शेयर बाजार में कैसे निवेश करें आदि विभिन्न गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। आइए देखते हैं व्याख्यान के अंश। ज्यादा हो गई तो खर्चा माइनस में जाएगा या प्लस में? ये बहुत ही बेसिक रूल है, पर याद रखिएगा, आपको ये लिखना है और चेक करना है कि आज आप जहां भी पैसा खर्च करते हैं, क्या वो फोन पे करते हैं, क्या वो शॉपिंग के ऊपर करते हैं, या फिर आप अपने पैसे को कहीं निवेश करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। यदि आपका पैसा आपकी जेब से जाने के बाद कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कमा के आपको नहीं दे रहा है, तो वो पैसा आपका एसेट नहीं है। समझिए, आपकी सैलरी अगर 10,000 20,000 किसी की सैलरी है और उसमें से 10 के 10,000 खर्च हो जाते हैं, तो इसका मतलब आपका कोई भी एसेट नहीं है। और जैसे मैंने एसेट की बात करी तो उसने मुझे बताया कि एसेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। यहाँ से किसी की आवाज आई, राइट, प्रॉपर्टी। अब जैसे हम एसेट की बात करते हैं, एक्चुअली प्रॉपर्टी ही नजर में आता है। नहीं, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद वही आना पड़ेगा। प्रॉपर्टी सब विश्वविद्यालय की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ करेंगे फिर मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप रहना चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय की गतिविधियों से अपडेट, तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।